चलिए, मैं आपका प्यारा सुख चौधरी, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो मस्त और बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज है मेरा फाइनल शो और अभी मैं जा रहा हूँ मेरी ग्रूमिंग के लिए। मुझे फोन आया है कि सुख को भेज दीजिए, तो अभी मैं जल्दी से जाता हूँ। मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि हमारे पास मैसेज आया था 4 o'clock का, पर उन्होंने मेरे को बुलाया था 2:30 पे। ओके गाइज, अब मैं जा रहा हूँ नीचे और मैं आप सभी को सीधा मिलता हूँ ग्रूमिंग के टाइम पे। गाइज, अभी मैं नीचे पहुंच चुका हूँ मेरी रिहर्सल के लिए और यहाँ पे है हमारा मेकअप हॉल, जो कि आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है ना। और यहाँ पे ना पूरी लैक्मे की टीम आई थी, कम से कम 30-40 पीपल्स तो थे। और ये है हमारे राहुल सर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करवाई। और अभी मेरा हो रहा है हेयर सेट और ये देखो मेरी स्टाइल, आँखों की मेरी तरह कोई कर सकता है? हैं, नहीं कर सकता ना। और अभी मेरा मेकअप एंड हेयर हो चुका है और आप सभी कमेंट करके बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना? और मैंने साइड में स्टोन्स भी लगाए हैं जो कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्योंकि है ना ये हमारी सीक्वेंस थी, हर बच्चे के स्टोन्स लगाने थे जैसे उनके ड्रेस के ऊपर कलर थे। और ये देख सकते हो यहाँ पे सभी डिज़ाइनर्स थे, पोदार जैसे अली डिज़ाइनर्स के जो डिज़ाइनर्स थे वो अपने बच्चों के सीक्वेंस को संभाल रहे थे। हर सीक्वेंस में दो दो तीन तीन डिज़ाइनर्स थे। और अभी मैं मेरे जो स्टोन्स थे वो उतर गए थे तो मैं वापस से लगवाने गया था। मैंने दीदी से बोला कि दीदी ये बार बार क्यों उतर रहे हैं यार, मैं क्या करूँ, ये तो फिर मैं जाऊँगा जब ख़राब हो जाएंगे। वो बोले आपके है ना ये ग्लिटर लगा रखा है इसके ऊपर, ढंग से है ना इनका ग्लू चिपक नहीं पा रहा। और ये देखो गाइज, हमारा लग चुका है सेट। ये ना जब भी सेट लगता है ना हम सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं सेट के ऊपर जाने के लिए। हम भी है ना हमारी रैंप वॉक करेंगे और दिखाएंगे कि हम कैसी रैंप वॉक करते हैं। और आप सभी ने देखा कि मेरा पोस्चर भी लग गया है हम सभी तीनों ब्रांड एम्बेसडर का, और बहुत बड़ा रैंप लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है इसके ऊपर रैंप वॉक करने में। और ये हमारे जो भी ब्रांड एम्बेसडर थे उनके सिंगल सिंगल भी पोस्टर लग चुके हैं। यहाँ पे सभी बच्चों के पोस्टर लगे हैं, ब्रांड फेस के भी। और अभी हमारी हो रही है रिहर्सल, आप देख सकते हो। यहाँ पे सर ने बोला कि एक बार स्टेज के ऊपर जाने से पहले मैं तुम्हारी रिहर्सल करा देता हूँ, जिससे कि तुम्हारा कोई भी डाउट होगा तो वो तुम मुझसे पूछ पाओगे। और ये देखो गाइस, हमारी पोदार की ड्रेसेस, ये सारी है ना हैंडमेड है। जितने भी आप ड्रेस देख रहे हो ये सभी हैंडमेड है। और ये है मेरी अली डिज़ाइनर की ड्रेस, ये जो आप अंकल देख रहे हो ना जो कि मेरे टाई सेट कर रहे हैं, ये भी है ना अली डिज़ाइनर के ओनर है। तो है ना ये बहुत अच्छे हैं, मेरे को कोई भी दिक्कत हो रही थी ना टैक्सीडो में तो ये मुझे बता रहे, ये ना मेरी पूरी हेल्प कर रहे थे उसको है ना ठीक करने में, है ना। तो बहुत अच्छे अंकल थे, मुझे इनका नेचर काफ़ी अच्छा लगा है ना, ये पूरी हेल्प कर रहे थे मेरी, मुझे जो भी अगर कोई भी दिक्कत हो रही थी। देखो मेरे बटन्स भी यही बंद कर रहे थे। और इनकी शॉप भी काफ़ी अच्छी है और इनके जो इन्होंने भी पूरा टैक्सीडो हैंडमेड बनाया था। और ये है हमारा एंट्री का सेकेंड गेट, यहाँ पे सभी पोस्टर्स लगे हुए स्पॉन्सर्स के, ब्रांड फेस के, ब्रांड एम्बेसडर के। और यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा रखा है, Chapter 9 ILFH जयपुर, देख सकते हो। और ये है हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर अनूप चौधरी सर, जो कि पूरा शो संभालते हैं और यही ऑर्गेनाइज करते हैं। और अभी हमारा शो भी बस कुछ ही पल में स्टार्ट होने वाला है। और देख सकते हो ना कितनी कम हो गई हैं सीट्स, क्योंकि लोग खड़े होकर भी देख रहे हैं, इतनी भीड़ लग जाती है हमारे शो को देखने के लिए, क्योंकि हमारे अनूप चौधरी सर करते ही कुछ ऐसा है जिनसे कि काफ़ी सारे लोग आते हैं और ये हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं। और है ना इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है बच्चों को, क्योंकि है ना इनको बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो है ना ये फर्स्ट प्रेफरेंस बस बच्चों को ही देते हैं। गाइस बच्चे आ रहे हैं, एक बार ताली बजा दो जोरदार, जल्दी वाली, कम ऑन, जल्दी जल्दी। Thank you.
you. को देख रहे हो ना वॉक करते हुए, ये पूरी थीम फिश के ऊपर दी गई है। मतलब इस सीक्वेंस के जितने बच्चे आएंगे वो पूरे फिश के थीम के ऊपर आएंगे, है ना। ये इनकी थीम भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि हमें हमारे पीछे स्क्रीन लगी हुई थी तो उसके ऊपर हम देख पा रहे थे कि कैसी वॉक और ये कैसी ड्रेस है। और ये आ गई है सबसे खतरनाक सीक्वेंस पोदार की, इसके अंदर डांस भी हो रहा है साथ ही साथ और साथ में रैप। We have Sook Chaudhary on the stage. मेरी वॉक, क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर और शो स्टॉपर था तो राहुल सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी काफी अच्छी रैंप वॉक करवाई। ये देख सकते हो, है ना। आप फिर से बताना मुझे प्लीज गाइस, मेरी कोई गलती तो नहीं हुई ना इसके अंदर, और मेरी वॉक काफी अच्छी है ना। कॉन्सेप्ट है इस ड्रेस का जो कि है टाइगर। तो मैं मेरे पीछे का कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे पीछे टाइगर है। देखिए बहुत कम वोटिंग हुई है, यानी कि मजा नहीं आया। हाँ देखिए वो मैम ने जो वोटिंग की है ना, वैसी चाहिए मुझे एक बार सबकी वोटिंग। इन द काउंट ऑफ 3-2-1 कम ऑन। वाओ सो गाइस, मुझे तो देखो बड़ा मजा आया क्योंकि सारे बच्चे मेरे साथ बैक स्टेज थे, मैंने उनके साथ बहुत मस्ती करी है और सबने एक से बढ़कर एक वॉक किया। आपके जो बच्चे ना सच में दे आर ट्रूली सुपरस्टार, आई मस्ट से। अनूप सर मेरे साथ कुछ बातें करते हुए ये पूछ रहे हैं कि आपको शो कैसा लगा, आपको मजे आए क्या रैंप वॉक करके। मैं बोला खूब मजे आए इस बार मेरे को, और ये भी मुझे ट्रॉफी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल गया था और अभी ये ट्रॉफी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं अरे कैमरामैन फ़ोटो तो खींचो हमारी। तो अभी हम सभी ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, जो भी ब्रांड फेस हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये फोटोग्राफर आए और बोले कि ऐसे ऐसे खड़े हो सर, फिर से बच्चों को ढंग से खड़ा करते हुए। और अभी हमारा हो रहा है फोटोशूट। सो गाइस ये देखो मेरी फोटो।
तो गाइस हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। और आप जो ड्रेस देख रहे हैं ना, ये पूरी हैंड मेक है। इसके पीछे टाइगर की पूरी हैंड मेड है। ओके बाय बाय गाइस, अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ।